हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई। तो आप देखिए नान खटाई कैसे बनाते हैं और क्या क्या डालते हैं उसमें, देखिए। और हम क्या क्या चाहिए हमें, ये रही हमारी चीनी पिसी हुई, और ये रहा मैदा, ये हमारा बेसन, ये रही हमारी सूजी, और ये रहा घी, और ये हमारा बेकिंग पाउडर, ये स्वादानुसार नमक, जिस ये इलायची पाउडर, नमक थोड़ा डालते हैं उससे थोड़ा स्वीटनेस अच्छा होता है, बराबर से आता है। बेसन डाला हमने, मैदा और बेसन, और इसमें सूजी, ये हमारा बेकिंग पाउडर, ये हमारा नमक, ये पिसी हुई चीनी, अच्छे से निकाल लेंगे उसको। ठीक से मिक्स करेंगे, लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें। जब मिक्स हो जाए ये ठीक से, तो हम इसमें घी ऐड करेंगे। देसी घी है ये, घर में बना हुआ है, और जिस को घी यूज नहीं करना है वो रिफाइंड भी डाल सकता है। ठीक से मिक्स करेंगे। हम हाथ की मदद से गूंथेंगे इसको, आसानी होगी। जो बचा हुआ घी था वो हम ऐड करेंगे, और ज़्यादा ड्राई होने से हम थोड़ा सा गरम दूध ऐड कर सकते हैं, घी भी ले सकते हैं थोड़ा। हमारा आटा गूंथ के रेडी हो गया है, एकदम नरम आटा गूंथा है। हम एक ट्रे लेंगे, उसमें पेपर डालेंगे, जिसके पास पेपर नहीं है ये तो अपना बटर से या घी से ग्रीस कर सकते हैं ट्रे या प्लेट, कुछ भी है, छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, और थोड़ा दूर दूर करके रखेंगे, नहीं तो ये बेक होने पे चिपक सकते हैं आपस में। अब हमारे पेड़े बन के रेडी हैं। इसको हम ड्राई फ्रूट से थोड़ा सजा देंगे। बच्चे लोग ऐसी चीजें बहुत पसंद से खाते हैं। अब हम इसको बेक कर लेंगे 15 मिनट के लिए,
इसका टेम्परेचर 170 रखेंगे, 170 डिग्री। इसको अब बीच में एक बार चेक भी करेंगे हम। हमने चेक किया एक बार, थोड़ा सा और बेक करेंगे। अभी ये बन के रेडी हो गया है, बेक हो चुके हैं। हमारी नान खटाई बन के रेडी हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, इनकी मस्त खुशबू आ रही है। हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। बहुत ही नरम है, आप घर पे जरूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें। और जिसको रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक